राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में हो रही है और अखिलेश यादव और मायावती ने शामिल होने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी की अलग यात्रा निकल रही है, हर नेता की अलग अलग यात्रा निकल रही है। तो इतनी यात्राएं निकल रही हैं और कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोले। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने कहा है कि जिस तरह से तीन स्टेट का अगर मुख्यमंत्री साथ में आ जाते हैं तो 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, तो उनका इसी पर सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने की है, लेकिन वहीं अखिलेश प्रसाद यादव हों या मायावती हो, वो उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और वहीं बात करें तो जिस तरह से नगर निकाय चुनाव बिहार में संपन्न हुआ है और पटना के मेयर सीता साहू फिर से बन के आए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम उन्हें बधाई देते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि इसमें सरकार अड़चन ना दें, कहीं सरकार को पूरे सहयोग करें सीता साहू का। क्या कुछ करें सुशील कुमार मोदी, पहले सुनिए उनकी बातों को। कोई गठबंधन इस देश में नहीं बनने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में हो रही है और अखिलेश यादव और मायावती ने शामिल होने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी की अलग यात्रा निकल रही है, हर नेता की अलग अलग यात्रा निकल रही है। तो इतनी यात्राएं निकल रही हैं और कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कांग्रेस के लोग किसी अन्य को अपना नेता स्वीकार करेंगे? क्या मायावती स्वीकार करेंगी? और अरविंद केजरीवाल ने तो ऐलान कर दिया कि वो कोई गठबंधन नहीं करेंगे, कोई अलायंस नहीं करेंगे। तो देखिए, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कोई गठबंधन नहीं बन सकता है। और लोग अगर हाथ उठाकर मिल भी जाएं तो जनता मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो नेताओं के हाथ मिलाने से जनता नहीं मिलती है, दिल नहीं मिलते हैं। और आपने देख लिया, बिहार के अंदर 7 दलों का महागठबंधन बना, फिर दो दो चुनाव हार गए और एक मोकामा जो जीते भी, वो महागठबंधन की जीत नहीं थी बल्कि वो अनंत सिंह की जीत थी। तो इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, कितना भी जोर लगा लें। और जो उनका वोट बैंक है अन्य दलों का, विधानसभा में क्या करेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन लोकसभा में वो सारा वोट बैंक जो है नरेंद्र मोदी को ही वोट करेगा। ये शुभकामना है और अच्छी बात है कि बिहार में हम ही लोगों की सरकार ने तय किया था कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा और आज डायरेक्ट इलेक्शन से लोग जीत कर आए हैं। तो अब कम से कम उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा काम करें, बेहतर काम करें और सरकार अड़ंगा न लगाए, सरकार उनकी मदद करे। खतरा इस बात का कि जो लोग जीत कर आए हैं तो सरकार उनको सहयोग न करे, अड़ंगा लगाने का काम कर सकती है। इसलिए सरकार जो नगर निकाय हैं उनको काम करने का मौका दे। इसलिए जो भी जीत कर लोग आए उन सभी लोगों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। तो आपने साफ तौर पर सुना सुशील कुमार मोदी का, और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बिहार के मेयर फिर से सीता साहू बनी है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इसमें बीच में अड़चन ना दे, क्योंकि जो सीता साहू है बीजेपी के कार्यकर्ता भी रह चुकी है, इसलिए सरकार इसमें उन्हें कुछ बाधा ना पहुंचाए। तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।